हाँ जी बेटा, हमने अभी जो है रिसेंटली मैंने वी डैश एक्स जो है वो यहाँ तक बना लिया था और मैंने फैक्टर्स बनाए थे कि 3x² + 3xr - xr - r² मेरे पास ये फैक्टर्स बन गए थे। अब बेटा मैंने इसको इक्वल टू जीरो करना है और यहाँ पर बेटा देखिए फैक्टर्स बनाने लगी हूँ, 3x कॉमन, x प्लस r माइनस r कॉमन और x प्लस r इक्वल टू जीरो, तो 3x माइनस r और x प्लस r। यहां से बेटा देखिए x की वैल्यू एक आई r बाय 3 और एक x की वैल्यू आई माइनस r। मुझे बताओ क्या कभी रेडियस या हाइट कभी नेगेटिव हो सकती है? यानी ये वाला केस तो क्या हो गया, रिजेक्ट ही हो गया। ओके, डबल डेरिवेटिव निकाला हुआ था हमने, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है बेटा मैंने ये निकाली थी, देखिए v डबल डैश x जो है वो -2/3π 3x + h। और बेटा मैंने प्रूफ जो करना था स्टार्टिंग में, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आई नीड टू प्रूव दिस। सबसे पहले बेटा मैं डबल डेरिवेटिव में ये x की वैल्यू पुट करूं, जब मैं पुट करूंगी मेरे पास ये r प्लस, हां जी बेटा कैपिटल r, हां जी यहां पर मैंने कैपिटल r बाय 3 पुट की, 3 कैंसिल। इफ यू सी r प्लस r 2r, 2r इंटू 2 4 हो गया, तो -4π/3 और r बन गया 100%। दिस इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो देयरफॉर क्या होगा मेरे पास, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। कब? व्हेन x इज इक्वल टू r बाय 3। ये तो निकल गया। अब आगे उसने मुझे क्या कहा, व्हाट दे हैव रिटन, कि हमें यहां पर बेटा वॉल्यूम जो है प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। कई बार ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में बन के आ जाए कि आपने क्या किया कि उसने कहा कि वॉल्यूम मैक्सिमम करो, कि अंडर व्हाट कंडीशन, कौन सी कंडीशन, तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होता है तो 100% वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, अब हमने तो ये रेशियो प्रूफ करनी है ना, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन ओवर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेते हैं। कंसीडर करो वॉल्यूम ऑफ कोन मेरे पास हो गए पाई आर स्क्वायर और एच होता है 1/3 भी लगता है, ओवर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिखा अभी 4/3π r³ होता है। अब एच पे मैंने क्या लिखा था, आर प्लस बेसिकली जो है एक्स लिखा था, यही थी ना हमारी गाय। अब देखो ये मेरे पास जो है कैपिटल आ रहा है, ये भी कैपिटल आ रहा है, एडजस्ट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू भी मेरे पास कैपिटल आर में, प्रॉब्लम क्या रह गया, सिर्फ आर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, अगर आपको फिगर याद हो मैंने ये बनाई थी अभी ऐसे, ये कैपिटल आर था, ये स्मॉल आर था, ये मेरे पास क्या था, एक्स था। मैं यहां से क्या करूं, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर सकती हूं और एक्स की वैल्यू दैट इज आर बाय 3। जब मैं आर बाय 3 पुट करूंगी तो आर स्क्वायर बाय 9, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मैं जब सॉल्व करूंगी दैट इज 8r² / 9। अब सारी टर्म्स मेरे पास किस में आ जाएगी, कैपिटल आर में आ गई। कटिंग करके अपने आप आपके पास क्या बचेगा आंसर, 8/27 100%। बात समझ आई कि मेरा इमोन है सब कुछ किस में चेंज करना, एक वेरिएबल में चेंज कर, मैंने सब कुछ कैपिटल आर में चेंज कर दिया। मैं फिर बता रही हूं कैसे, आर स्क्वायर मैंने निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से, कैपिटल आर में, स्मॉल एक्स
मैंने वैल्यू निकाल चुकी हूँ आर बाय थ्री कैपिटल आर में और नीचे भी कैपिटल आर में, हो जाएगा कि नहीं सब कुछ? ठीक है जी, क्लियर, यही प्रूफ करना था। चलिए मूव टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्टली रीड इट बेटा। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है देखिए बेटा। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने जो है एक राइट सर्कुलर कोन की बात करनी है जिसका जो है लीस्ट यानी मिनिमम करना है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन को। ओके जी, एंड गिवन वॉल्यूम, मेरे पास वॉल्यूम इसका गिवन है और उसने कहा हैज एन ऑल्टीट्यूड जो है इक्वल टू, ऑल्टीट्यूड जो है बेसिकली मेरे पास जो है यहां पर हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है। ऑल्टीट्यूड मतलब यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, हाइट की बात कर रहा है। वो कहता है कि लीस्ट कर्व सरफेस एरिया कब है, जब ऑल्टीट्यूड जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज रूट टू टाइम्स आर रेडियस की। अब हमने ये प्रूफ करना, दो चीजें प्रूफ करनी है, कर्व सरफेस एरिया लीस्ट प्रोवाइडेड ये कंडीशन। ठीक है, अब देखो जरा बेटा ध्यान से, मेरे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन अगर मैं देखूं, पहले तो सब कुछ डिफाइंड कर दूं, इसको एल, इसको एच, इसको आर। ओके, हाँ जी, मेरा मेन जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर एल, एम आई राइट? यहां दो चीजें हैं जिसपे कर्व सरफेस एरिया डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सा, एक आर और एक एल, एक वेरिएबल में चेंज करना है। कहां से निकाले, वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम मुझे क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, तो मैंने वॉल्यूम जो है ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां भी क्या प्रॉब्लम आ गई, देखो यहां तो अपने ही दो वेरिएबल और हैं, ठीक है, क्या करें, एल की जगह पे, एल की जगह पे मैं ऐसे लिख सकती हूं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो अपने आप वो दो वेरिएबल्स हो गए ना, अब मैं क्या करूं, यहां से मैं एच की वैल्यू निकाल लूं और इधर पुट कर दूं। ठीक है, जब मैंने पुट किया मेरे पास 3v पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एच। ओके बेटा, अब मैं यहां पर पुट करने लगी हूं, फिर वही, अगर सी मिनिमम है तो सी स्क्वायर भी मिनिमम होगा बेटा। इसका करने का बेनिफिट क्या, मेरी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, अंडर रूट वाला काम सारा खत्म हो जाएगा। मैंने आगे भी ये बात समझाई थी ना, अब मेरे पास पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप आर स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देते, दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि दोनों आर स्क्वायर आ गए ना। पहले मैं इसीलिए नहीं कर रही थी, एक आर था एक आर स्क्वायर था तो मैं वैल्यू नहीं पुट कर सकती थी, बट ये कि आर की वैल्यू दो जगह पुट करनी पड़ेगी, अगर मैं एच की करूंगी तो एक ही जगह पुट हो। इट इज टोटली अप टू यू, दोनों तरह से आंसर मेरा प्रूफ हो जाए। अब मैंने आर स्क्वायर 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर जो है आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। ओके जी, अब एलसीएम ले लें, मेरे पास पाई आर स्क्वायर टेक पाई स्क्वायर आर पावर 4 एलसीएम, कहां बेटा, यहां पर स्क्वायर, बिल्कुल जी पाई स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्क्वायर आना ही आना। हाँ जी, अब मेरे पास जो है 9v स्क्वायर
प्लस मेरे पास हो गए पाई स्क्वायर आर पावर सिक्स, सब कुछ आर में आ गया ना, कोई टेंशन नहीं ना। अब क्या करें, इसको एक नया टर्म ले लें, एस ले लें। हाँ जी, अब एस डैश लो, एस डबल डैश लो, एस डैश इक्वल टू जीरो पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करो। ओके जी, कैलकुलेट करने पे 100% अपने आप वहां पर ना कोई ऐसा रिलेशन बन जाता होता है। ऑल्टीट्यूड मतलब एच, यानी एच इज रूट टू आर, मैंने प्रूफ करना है, अपने आप रिलेशन बन जाए। ओके बेटा, क्लियर क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं? चलूं आगे बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड पकड़ रही हूं। हाँ जी, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एंगल वाला करवाने लगी हूं, बहुत बार एंगल वाला क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लोगे ना ऐसे फंक्शन छोड़ दूं तो हो जाएगा ना, जहां आपको डाउट लगे, जैसे अगले क्वेश्चन में मुझे बताना ही पड़ेगा तो मैं पूरा करूंगी। ओके जी, मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 25। अब क्वेश्चन 25 में शो दैट द सेमी वर्टिकल, मेरे पास एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मेरे पास हो गए, हाँ जी सर, नेट नहीं चला उधर, बार बार जूम बंद हो रहा था, हो रहा सर, कनेक्टेड तो था बट प्रॉब्लम आ रही थी बार बार। हाँ जी, सेमी वर्टिकल एंगल जो गए मेरे पास ऑफ ए कोन। अब सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है ना बेटा, सेमी मतलब क्या, हाफ ना। मैंने ये प्रूफ करना है कि इसका ये वाला एंगल जो गए, मान लो मैंने इसको थीटा ले लिया, आई हैव टू प्रूफ कि थीटा जो है वो टैन इनवर्स रूट टू है जब मैक्सिमम वॉल्यूम है, स्लांट हाइट मेरे पास जो गए, स्लांट हाइट जो गए वो गिवन है। ओके जी, क्लियर। तो अब बेटा देखिए, जिसको मैक्सिमम करना है वही लेके चलते हैं, ठीक है। लेट अस सी, मेरे पास हो गए वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जब भी एंगल वाला क्वेश्चन आए ना, हम दो मेथड से कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। एक तो मुझे ये एल गिवन है, दिस इज एच, दिस इज आर। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, कैसे कर सकते हैं, सबको थीटा में ले जाओ, सबको किस में ले जाओ, थीटा में, बट विद द हेल्प ऑफ एल, क्योंकि एल क्या है, कांस्टेंट है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, बनी है ना। तो ये मेरे पास बेस हो गया, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। अब मैं यहां पर आर और एच को सबको थीटा की फॉर्म में लेके जा रही हूं, ठीक है जी। कैसे, देखिए आई एम यूजिंग हियर, मेरे पास हो गए, मुझे आर चाहिए, ध्यान से देखना बेटा, मुझे आर चाहिए, आर पी है और ये एच है, पी और एच किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का। तो मैं यहां से लूंगी साइड पे पी बाय एच साइन थीटा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एल साइन थीटा, हो गया ना थीटा में कन्वर्ट। ओके, अब अगला एच, ये बी है और बी और एच किस में होता है, कॉस में, तो दैट मींस मैं यहां पर लूंगी एच बाय एल, दैट इज कॉस थीटा, और एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एल कॉस थीटा। ओके जी, अब मैं क्या करूं, दोनों वैल्यूज यहां पुट करो। जब मैंने पुट किया तो मेरे पास बेटा v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और मेरे पास हो गए h, मेरे पास क्या आया, l cos थीटा। देखिए समझ आया बेटा, अब एक ही वेरिएबल में हो गया कि नहीं, किसमें,
थीटा में, तो दैट मींस अब ये मुझे जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब कांस्टेंट मेरे पास 1/3 pi L³ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डबल डेरिवेटिव लो, वी डैश थीटा को इक्वल टू जीरो पुट करो। अब अगर देखा जाए यहां से अपने आप तुम्हारा रिजल्ट बनेगा, मैंने ये प्रूफ करना है, यानी अपने आप तुम्हारा टेन थीटा रूट टू जो है वो आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ जी, टेन थीटा अपने आप ये बनना चाहिए। अब ये पता कैसे बनेगा, जरूरी नहीं है डायरेक्ट आंसर आए। मान लो आपके पास साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा आ गया तो उससे टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, आराम से हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि पेपर में टेन थीटा का ही रिलेशन हो, क्या पता कॉस वाला दिया हो, क्या पता सीकेंट वाला दिया हो, तो जो भी चाहिए आपके पास जो एंगल से वैल्यू निकले आप दूसरा अपने आप निकाल लीजिए। बात समझ आई 100%? कोई डाउट तो नहीं। सेम क्वेश्चन मेरे पास नेक्स्ट है बेटा, दैट इज साइन इनवर्स 1/3 वाला, सेम लास्ट क्वेश्चन। ओके जी, क्लियर, दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। ठीक है, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे हम कल से। ठीक है, क्लियर, विद द सेम टाइम, नॉट दिस, एज यूजुअल जो आपका टाइम होता है। ओके, टिल देन गुड बाय बेटा एंड टेक केयर।